बियर्ड केयर कैसे की जाती है? अगर आप भी दाढ़ी को उगाना चाहते हैं तो आपको दिन से लेकर रात तक क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए? अगर आप भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हो, यानी आप बिगिनर हो, तो आपको कैसे बियर्ड ग्रोथ करनी चाहिए, कैसे बियर्ड केयर करनी चाहिए, कैसे आपको बियर्ड को ग्रूम करके रखना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपको यह वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मैं हर दिन एक कमेंट का पूरा रिप्लाई करता हूँ। अगर आप कोई कमेंट करते हैं तो उसमें से एक कमेंट मैं उठाता हूँ, उसका पूरा सॉल्यूशन बताता हूँ भाई इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप भी मुझे कमेंट कर सकते हैं जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकूँ। पहले हम कमेंट पढ़ते हैं। ये कमेंट में बोल रहे हैं भाई, बियर्ड केयर कैसे करें बिगनर लोगों के लिए, पूरा मॉर्निंग से लेकर नाइट रूटीन वीडियो बनाना। तो ये जो भाई हैं वो ये बोल रहे हैं कि बिगनर जो होते हैं स्टार्टिंग में, जो कोई बियर्ड ग्रोथ करना चाहते हैं जिसको कुछ पता नहीं होता है, तो वो कैसे बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बियर्ड केयर, कैसे बियर्ड डाइट, कैसे बियर्ड का रूटीन सेट करके वो बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी डे से लेकर नाइट तक मैं आपको बताने वाला हूँ, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आप बोल सकते हैं। पहले आप जब सुबह उठोगे, आप सुबह उठने का टाइम आपका कितना भी हो सकता है, पहले मैं आपको खाने वाले डाइट के बारे में बताता हूँ। आप जब सुबह उठोगे, उठने के बाद 15-20 मिनट बाद आप जो भी फ्रेश वगैरह होके, आपको एक गिलास दूध पीना है भूखे पेट में। कुछ खाना नहीं है, सिर्फ आपको दूध पीना है। आप चाहो तो आप दूध में अश्वगंधा डाल के पी सकते हो, ये आपको करना है। इसके बाद उसके आधे या एक घंटा बाद आपको खाना खाना है, धपेट खाना खाना है अच्छे से। उसमें आपको एक दाल होनी चाहिए, एक दाल शामिल होनी चाहिए, और अच्छी विटामिन प्रोटीन वाली हो सके तो हरी सब्जियाँ खाना चाहिए, और रोटी गेहूँ की, मक्के की, बाजरे की जो भी आप खाना चाहो वो आप खा सकते हो। फिर आपको दोपहर में आपको खाना खाना चाहिए जिसमें कि आपको हो सके तो चावल आपको मिल जाए। चावल आपको खाना चाहिए, चाहे वो ब्राउन राइस हो, वाइट राइस हो, कैसे भी राइस हो, भूरे चावल, सफ़ेद चावल, कैसे भी हो, आपको वो खाना चाहिए। फिर आपको शाम के टाइम पे फिर आपको एक गिलास दूध पीना चाहिए। एक गिलास दूध पीने के बाद 5-10 मिनट बाद आपको वर्कआउट करनी चाहिए। आप चाहो तो सुबह एक गिलास दूध पीने से पहले या फिर बाद में आप वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन मैं शाम को करता हूँ, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो दूध पीने के बाद आपको कम से कम 15-20 मिनट बाद आपको आधे एक घंटा वर्कआउट करनी चाहिए, जिससे कि आपकी मसल्स ग्रोथ होंगी और आपकी बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। इसके बाद आपको नाइट में फिर खाना खाना है, हो सके तो हरी सब्जियां, दाल वगैरह, हो सके तो मीट, मांस, मछली जो आप खा सकते हो, हफ्ते में 1-2 बार आपको खाना चाहिए, जिससे कि आपकी बॉडी में विटामिन प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। ये होती है सिंपल डाइट। आप चाहो तो इसमें सप्लीमेंट्स ऐड कर सकते हो, विटामिन प्रोटीन वाले और सोर्स कैप्सूल्स, जो बायोटिन कैप्सूल वगैरह आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, मल्टीविटामिन यूज़ कर सकते हो, बट उसका खर्चा पर ज़्यादा पहुँच जाता है। तो ये होता है एक लाइफ का रूटीन, आप डाइट में इसको शामिल करें। जो मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताया वो आपको शामिल करना है। अब बात करते हैं क्या कुछ लगाया जाए, कैसे जो बियर्ड केयर करी जाए इससे कि दाढ़ी की ग्रोथ हो और दाढ़ी हमेशा तक अच्छी रहे। सबसे पहले आपको सुबह उठना है और सुबह उठ के आपके फेस को वॉश करना है, सिंपल पानी से, नॉर्मल पानी से, जो भी आप चाहे फेस वॉश यूज़ करते हो, क्या यूज़ नहीं करते हो, वो आपके अकॉर्डिंग, आप जो भी यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप अच्छा रूटीन सेट करके रखना चाहते हो, आपकी बियर्ड को अच्छा ग्रोथ करके रखना चाहते हो, तो आपको फेस वॉश करने के लिए गोदरेज का नंबर 1 सोप आपको यूज़ करना चाहिए। इससे आप कम से कम दिन में 2-3 बार आपके फेस को वॉश करें, ताकि आपके फेस में धूल, मिट्टी, डस्ट वगैरह जो भी कुछ है वो निकल जाए। यानी आपको सुबह उठना है, सुबह उठते आधे एक घंटा बाद आपके फेस को वॉश करना है। वॉश करने के बाद आपको फिर दिन में 1-2 घंटे बाद आपको नहाना है, फिर वही खाना वाना डाइट माइट करके आप नहाओ तो नहा लो, नहीं तो फिर आपको सुबह कुछ नहीं लगाना, सिर्फ एक मॉइस्चराइजर क्रीम लगाना है। चाहे आप फेरन लवली लगा सकते हो, फेरन हैंडसम लगा सकते हो, आपके पास जो भी है आपको वो लगाना है। फिर आपको दोपहर के टाइम में आपके फेस को एक बार और वॉश करना है। अगर आप कहीं घूमने जाते हो, तो अगर आप घर पर हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको दिन में कोई सा भी प्रोडक्ट आपके फेस पर नहीं लगाना, जो कि बियर्डो स्क्रीन्स वगैरह होती है वो आपको नहीं लगा, वो आपको ओनली नाइट में लगाना है। तो आपको कहीं पर भी अगर जाना हो, तो अगर वहाँ से आप आ रहे हो, ताकि आपके फेस पर धूल मिट्टी डस्ट लग जाती, आपको उसको निकालना, जो गोदरेज का नंबर 1 सोप है, इससे आपको फेस को वॉश करें। या फिर आपके पास अगर नींबू एलोवेरा का फेस वॉश है तो आप उससे भी आपके फेस को वॉश कर सकते हैं। इसके बाद फिर आपको शाम को खाना खाने के बाद आपको आपके फेस पर सोने से पहले या तो कोई सा बियर्ड ऑयल यूज़ करना है, या फिर कोई सी क्रीम यूज़ करना है, या फिर कोई सा कैप्सूल यूज़ करना है। यानी बियर्ड ग्रोथ करने के लिए ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट्स करते हैं। तो मैं तो सरसों का तेल यूज़ करता हूँ बियर्ड पर, जो कि काफ़ी अच्छा होता है, बट इससे क्या होती है, इससे बियर्ड थोड़ी सी शाइनिंग होती है। बट आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए नारियल का तेल यूज़। आपको सोने से पहले ये नारियल का तेल आपके हाथ पर ले और इसको लगा के आप 1-2 मिनट तक मसाज करके आपको सो जाना है। ये आपको कंटिन्यू यूज़ करना है, यानी ये
उन लोगों को यूज करना इनकी दाढ़ी ऑलरेडी आ चुकी है, वो दाढ़ी और अच्छी रहेगी और जो काली घनी मोटी दाढ़ी है वो भी अच्छे से खिल के रहेगी। इसके बाद फिर अगर आप कोई सी क्रीम यूज करना चाहते हैं बियर्ड ग्रोथ करने के लिए, तो ये होती है पेंट्रम प्लस प्लस क्रीम। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, बट नाइट को यूज करना है। इसको भी आपके फेस पर लगा के, आपकी दाढ़ी जगह पर लगा के आपको 1-2 मिनट तक मसलाना है, रात को फेस पर लगा के आपको सो जाना है। ये क्रीम होती है, ये भी आपकी दाढ़ी की बहुत तेज ग्रोथ कर देती है। इसके बाद एक और सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है EVM 400 विटामिन ए कैप्सूल। ये ऑयल, ये कैप्सूल जो होता है वो आप खा भी सकते हैं और इसको आप लगा भी सकते हैं। अगर आप इसको खाना चाहते हैं बहुत अच्छी बात होती है, आपकी जो बॉडी में विषैले पदार्थ है वो बाहर निकल जाएंगे, आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इंक्रीज होंगे, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, जिससे कि आपके बहुत सारे रोगों की क्षमता, जो आपके शरीर के प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं अच्छी हो जाएगी और आपके बॉडी में रोग नहीं आएंगे। आपको एक कैप्सूल खाना है खाना खाने के बाद, या फिर आप खाना नहीं चाहो तो आपको एक कैप्सूल रोज लगाना है। इसको निकाल के इसके अंदर जो ऑयल रहता है उस ऑयल के आपके हाथ पर लेके आपकी दाढ़ी पे लगा के आपको सो जाना है। ये होता है बियर्ड केयर फुल रूटीन, और बियर्ड केयर डाइट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब इन सबसे क्या होगा, इन सबसे ये होगा कि जो आप डाइट लेते हो जिसमें कि विटामिन प्रोटीन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, उससे आपकी जो बियर्ड की प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होने लग जाएगी, यानी आपका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा वर्कआउट से, और आपकी जो बॉडी है वो विटामिन प्रोटीन्स की कहीं ना कहीं मात्रा पूर्ति कर लेगी। और जो प्रोडक्ट आप लगाते हो उससे आपका फेस का ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। अब आपको क्या करना पड़ेगी, अब आपको रोज़ कम से कम 7-8 ग्लास पानी पीना है, कैसे भी पी लेकिन आपको पीना है, और आपको अच्छी नींद लेना है। अच्छी नींद का मतलब 7-8 घंटा या 8-9 घंटा आपको नींद लेना है, जिससे कि आपका पूरी बॉडी अच्छे से रिलैक्स करेगी और आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल बढ़ेंगे। आप अगर सही से नींद लोगे तो भाई आपको बहुत कुछ चेंजेस आपकी बॉडी में देखने को मिलेंगे, जो कि मैं खुद करता हूँ। अगर आपको रात को सोने का टाइम ना मिले तो आप दिन को सो सकते हैं, लेकिन आपको 8-9 घंटे की नींद पूरी करना है 24 घंटे के अंदर अंदर। फिर आपको आपकी जो भी डाइट है उसमें से जो विषैले पदार्थ, चाहे आप ड्रिंक स्मोक वगैरह, ये सबको हटाना है। आपको बाहर का खाना नहीं खाना, जैसे कि जंक फूड होते हैं, ऑयली फूड, शुगर वाला फूड, तो आपको इन सब से दूर रहना है। अगर आपने ये सब कर लिया तो आपकी बियर्ड मेरी जैसी ग्रोथ हो जाएगी। मैं ये सब करता हूँ इसलिए मैंने आपको बताया है, मैंने कहीं से पढ़ के ये नहीं बताया, मैं खुद अपनी लाइफ में ये पूरा रूटीन सेट करके रखता हूँ, मुझे सुबह से शाम तक क्या कुछ करना होगी। बाकी में जो आप बाकी टाइम बचे उसमें आप आपका होमवर्क कर सकते हो, अगर आप स्टडी कर रहे हो तो, या फिर आप वर्क कर रहे हो तो वहीं आप काम कर सकते हो, बट आपको इन सबसे पूरा एक रूटीन सेट करके चलना पड़ता है, जैसे कि आपकी दाढ़ी में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप अगर बिगनर हो तो आपको ये आज से अप्लाई करनी चाहिए आपकी लाइफ में, ताकि आपकी दाढ़ी जल्दी से ग्रोथ हो सके। भाई दाढ़ी को ग्रोथ करना कोई मामूली बात नहीं होती है। एक बात और याद रखें, अगर आपकी दाढ़ी नहीं आ रही, आपकी दाढ़ी में अगर पैची बियर्ड है पर पतले बाल है, तो ये सारे ट्रीटमेंट्स करने से पहले आप आपकी दाढ़ी को सेव कर ले, जिससे कि आपको पता चले कि यार मेरे जो नए बाल आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा भाई जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ यानी उसका रिजल्ट मुझे कहीं ना कहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी दाढ़ी की ग्रोथ करना चाहते हो तो इन सबको फॉलो करें। मैंने आपको जितना भी बताया अगर आपने सब कुछ फॉलो कर लिया है तो आपकी दाढ़ी आने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक और सबसे बड़ी बात, अगर आप हिलाते हो, बुट मारते हो, भाई अभी से बंद कर दें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल इससे ही कम होते हैं, मेन रीज़न ये होता है। तो आप आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स लेवल को बढ़ा सकते हैं मछली खा के, मीट मांस खा के, या फिर आपके जो बॉडी को विटामिन प्रोटीन्स देके, और आपके फेस का ब्लड का सर्कुलेशन आप बढ़ा सकते हैं क्रीम लगा के, या फिर आप बियर्ड ऑयल लगा के, कैप्सूल लगा के, और आपकी लाइफ आप हेल्दी रख सकते हैं। बट आपको वर्कआउट रोज करना, अगर आप वर्कआउट नहीं करते तो आपको लाइफ में ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो मैंने आपको जो भी बताया उसको आप लिख के रख ले, या फिर ये वीडियो आप बार बार देखें, जिससे कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, आपकी दाढ़ी की प्रॉब्लम बिल्कुल 0 पैसे में 100% सॉल्व हो जाएगी। तो भाई लोग अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, तो आपको ये वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।